एक किलो आमलसार गंधक लिया आओ। अब इसको बराबर खांड पीट कर बारीक पाउडर बनाना है। एक किलो है आमलसार गंधक, खांड भी साथ में डाल नाचनी हो साकर आखो बना के दी। और ये एक किलो साकर है, जो बड़ी साकर गांगड़ा के रूप में आती है ना, वो है शक्कर बोलते हैं, जो गांगड़ा के रूप में बड़ा गांगड़ा आता है। और दोनों को एक एक दोनों एक एक किलो लेकर खरल करना है साथ में, नाल नाल दो ये। थोड़ी निकाल लो। ये शक्कर और गंधक को दोनों को थोड़ी निकाल लिया इसलिए है कि वो थोड़ी खरल नानी है, इसलिए खरल करने में सरलता रहे, नहीं तो नीचे गिर जावे, इस बाद में वो डाल देते हैं। दोनों को मिक्स खरल करना है, एक जान कर लेना है, लगभग 2.5 से 3 घंटा उनको बराबर खरल करना है, तो ये गंधक में से कार्बन निकालने की क्रिया हो रही है। कार्बन निकल कर गंधक वाइट की तरफ चला जाएगा, वाइट गंधक बन जाएगा, सफ़ेद गंधक बनेगा। खरल थोड़ी छोटी पड़ती थी इसलिए दो खरल में डाल दिया है, इसलिए खरल करने में थोड़ी अनुकूलता रह गई। छोटी छोटी काकरी रही है वो तो 3 घंटा खरल करना है, तो सब एक जान एक रूप हो जाएगा। देखो ये इसमें ज़्यादा खरल हुई है, ये सफ़ेद होने आया, सफ़ेद होने लगा है अभी, इसमें अच्छी खरल लगी है अभी, इसमें बराबर खरल नहीं हुआ है तो अभी सफ़ेद की तरफ नहीं गया, जा रहा है सफ़ेद की तरफ। 3 खरल में डाला है,
देखो अभी इसमें शुरुआत किया है तो अभी इसमें पिड़ास है ज़्यादा, क्योंकि एक खरल में बराबर मटेरियल कम हो तो ही अच्छा रहता है, इसलिए तीन खरल में डाल दिया है मटेरियल, तीन खरल शुरू किया। देखो ये सफ़ेद की तरफ चला गया, देखो ये वाली खरल और वो वाली खरल में कलर में कितना डिफरेंस दिखता है। ये वाली पहले वाली खरल में ज़्यादा खरल हुआ है और बीन देकर खरल कर रहे हैं, इसलिए जल्दी इसमें हो जाएगा। इसमें थोड़ा गंदा वो चूर्ण ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी इसमें बीन नहीं लगती है, तो भी इसमें से थोड़ा निकाल कर ये तीसरी खरल में डाला है, जल्दी हो जावे और अच्छा हो जावे, एक जान हो जावे। ये हमारे संदीप भाई पटेल है, सचिन में सूरत रहते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा काम था इसलिए उनको भी बुला लिया। संजीव भाई वो लाओ तो खरल आपकी, देखो ये सफेदी की तरफ चला गया है, एक रुपये खरल में हो गया। कहाँ इसमें अभी कंकण है, अभी और खरल करना पड़ेगा है? और खरल करो, कंकण बिल्कुल ऐसे करने से भी कंकण बिल्कुल अनुभूति नहीं होनी चाहिए, तब एक जान वो एक रूप हो गए, तब कंकण बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए। संदीप लाओ तो तब भी वो आपकी खरल, देखो अब कलर में बिल्कुल डिफरेंस हो गया है, अब एक जान हो गया है। अब उनको संजय भाई उसको दो या बाल्टी में डाल दो,
हाँ डाल दो पर अब जो स्टील की खरल में लिया है ना बस अब चलेगा वो सब अभी और लेना है वो स्टील की खरल वाला है ना वो उसमें डाल दो तो ज्यादा मत लेना खरल करने में अच्छा रहे बस आधा ही लो अब जैसे जैसे खरल कट होता जाएगा ऐसे ऐसे बाल्टी में डालते जाना है बाद में उसको गरम फड़फड़ता पानी डालकर तीन चार पानी से धो डालना है तो जो शक्कर डाली थी वो शक्कर सब पानी के मार्फत से बाहर निकलवाएगी यहाँ एक गंधक का तेल बनने की क्रिया चल रही है इसमें गंधक का तेल बन रहा है ये दूसरी बड़े वाली खरल में जो मटेरियल था खरल हो रहा था ये है इसमें भी कलर चेंज हो गया है अब इसको भी इसमें डाल देते हैं कांति काका ये बाल्टी में डाल दो ये चारों तरफ से ब्रश निकाल कर ब्रश घर घस कर निकाल लेना ब्रश घुमाने से क्या सारा मटेरियल आ जाता है कलर करने वाला जो ब्रश होता है ना वो ब्रश एक आध दो छोटा और बड़ा रखना ही चाहिए बस अब वो तीसरी वाली में था ना वो उसका खरल से चालू करना है सब खरल पूरा हो गया है बाल्टी में सभी मटेरियल डाल रहे हैं खरल के अंदर कलर करने वाला ब्रश चारों तरफ से साफ कर लो तो खरल अच्छी तरह साफ हो जाती है मटेरियल जो भी छोटा होता है वो भी निकल जाता है अंदर करना
अंदर थोड़ी देर में डाल दो चंद्री भाई, अंदर से पानी ले लो। देखो इतना फड़फड़ता पानी लेना है, फड़फड़ता पानी डालो। ले ले क्या धीरे धीरे डाल दो अंदर। गिलास लिया हो जो वो अंदर डाल नहीं था। अरे सही जा थोड़ा है तो गर्म શાંતિથી સે લોટા પકડો ને પકડો બધું બધું નાખી દેવાનું છે સભી પાણી ડાલ દેના पानी डालकर इसी तरीके से थोड़ी देर बराबर हिलाना है। बस हवे डांडिया डालकर डाल दो ने। इसी तरीके से 4 से 5 बार गर्म पानी डालकर गंधक को धो डालना है। तो ये क्रिया धोने की, गर्म पानी से धोने से क्रिया करने से जो शक्कर डाली थी वो शक्कर सब निकल जाएगी, पानी में घुल कर गंधक गंधक सब नीचे बैठ जाएगा। હા ધીરે ધીરે આવવાથી ઇસી તરીકે સે બરાબર ઘોળ કર ગરમ પાણી સે પાણી નિકાલ લેના ગંધક સબ નીચે બેઠ જાયેગા આવવા દો ધીરે 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 बस अरे बस 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 नीचे से डालो।
नीचे से छोटी है, बिल्कुल छोटी नीचे बात। अरे तमे हूँ सुलो उर्दू कर दो हां उर्दू बोल राखो तो बा ले ले लो अंदर। अब दूसरी बार भी गरम भाई सा फड़फड़ता पानी डालकर 10 मिनट बराबर हिलाकर इसी तरीके से उनको 3 से 4 बार धो देना है। बिल्कुल इसके इसमें से शक्कर का भाग निकल जाएगा और गंधक गंधक रह जाएगा। अब ये दूसरी बार गंधक धोने की क्रिया कर रहे हैं। हाँ गरम फिर रख दो। इसी तरीके से गरम पानी डालकर 5-10 मिनट बराबर हिलाकर बाद में 5-10 मिनट ऐसे गंधक को नीचे बैठने दो। इसके बाद पानी निकाल लो। फिर इसी तरीके से तीसरी बार क्रिया करनी है। फिर इसी तरीके से चौथी बार 4 बार कुल धोना है गर्म पानी से तो शक्कर का पा सब अंदर से निकल जाएगा, शक्कर का भाग निकल जाएगा। देखो गंधक बैठने लगा, बैठ गया। ये दूसरी बार पानी निकाल रहा है, नीचे बहुत गर्म होगा बाल। आने दो धीरे धीरे, आने दो आने दो, कोई बात नहीं। गंधक तो ये इसके अंदर रह जाएगा, गंगणा के अंदर। आने दो धीरे धीरे, आने दो धीरे धीरे, आने दो आने दो आने दो, हाँ आने दो मेरा ध्यान है। धीरे धीरे आने, मैंने नहीं देखा। हाँ 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 कोई बात नहीं, धीरे धीरे आने दो। बस 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 बस, लो लो नीचे डालो जल्दी। बोले हम पानी से देखो तो